जय हिंद बच्चों, आज हमारा नौवां दिन है और आज हम जानेंगे अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के बारे में। इससे पहले हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या और विषम संख्या के बारे में समझा था। चलिए बिना देर किए हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अभाज्य, इसका मतलब समझना। मैंने बताया था कि अ इसको मतलब नहीं समझना, यानी नकारात्मक। अभाज्य, अ का मतलब क्या हो गया कि न हो। अभाज्य मतलब विभाजित, यानी जो अलग अलग न बटे उसे अभाज्य कहेंगे, यानी जो किसी से न कटे। ठीक, इसे अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहा जाता है। ये तरीका आपको याद रखना है, जब भी डिफिनेशन लिखना है तो यहाँ से छोड़कर उसके निचले वाले लाइन से लिखना है जो यहाँ अटे, और फिर उसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से एक लाइन छूटा हुआ है। इससे क्या होता है, हेडिंग स्पष्ट नजर आता है। जो प्राकृत संख्या एक और खुद को छोड़कर किसी और से न कटे अभाज्य संख्या कहलाता है, या फिर उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए, जैसे हम कह लिए पांच, तो पांच किससे कटेगा, एक तो पांच से कटेगा और एक से कटेगा। अब कहेंगे छ, सिक्स, सिक्स क्या, सिक्स से कटेगा, एक से कटेगा, लेकिन दो से भी कटता है तीन बार में, और फिर उल्टा तीन से भी कटेगा दो बार में। मैंने बताया था कि गुना में हमें और जोड़ में सीधा और उल्टा लिख सकते हैं। तो एग्जांपल हम दस लेते हैं, कोई कहेगा कि दो से कटेगा पांच बार में, दो गुना पांच, कोई उल्टा भी तो सोच सकता है, यानी पांच गुना दो, यानी पांच से भी कटेगा दो बार में दस, तो वो अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए यहाँ पर दो लीजिए, दो किससे कटेगा, केवल दो से और एक से, एक से तो सभी कट जाएगा। मैंने बताया था एक से कोई किसी भी संख्या में एक से गुना करिए तो वह उतना ही रहेगा, तीन में एक से गुना करिएगा तो तीन ही रहेगा। तो इसका उल्टा एक से तीन बार में कटेगा, एक का पहाड़ा तीन बार पढ़िए तो तीन आ जाएगा। तो देखिए दो तीन पांच, बीच में आया चार, चार तो दो का पहाड़ा में आ जाएगा, दो गुने दो चार, तो अभाज्य संख्या नहीं होगा। पांच, फिर छह नहीं आएगा, सात, सात के बाद आठ, तो दो चौका आठ, फिर नौ नहीं आएगा, तीन तिहाई नौ, उसी तरह दस नहीं आएगा, फिर ग्यारह बारह नहीं आएगा। अब देखिए एक और तरीका मैंने बताया था कि जिस संख्या के सबसे लास्ट में यानी इकाई स्थान जीरो दो चार छह या आठ हो वो दो से कट जाता है, और जो दो से कट जाए वो सम संख्या होता है। अब देखिए जिसके लास्ट में अगर जीरो दो चार छह या आठ रहे तो वो सम संख्या यानी दो से कट जाएगा, और जो कट गया वो अभाज्य संख्या होगा ही नहीं। अभाज्य संख्या का मतलब क्या कि वो किसी से न कटे, और यहाँ पर दो से कट जा रहा है। जैसे इतना बड़ा संख्या पांच सात दो, हम कहेंगे कि क्या यह अभाज्य संख्या है या नहीं। तो अब देखिए कि लास्ट में दो है, ये तो सम संख्या, ये दो से कट जा रहा है, मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, तो थोड़ा सा आपको इस तरह से भी सोचना है। तेरह के बाद चौदह नहीं होगा क्योंकि लास्ट में चार है। अब देखिए पंद्रह, पंद्रह के लास्ट में कोई सम संख्या नहीं है, लेकिन पंद्रह तीन से कटेगा। उसी तरह से आपको बढ़ते जाना है। चलिए आपको कमेंट में आंसर देना है, एक से सौ के बीच या एक से सौ तक कुल कितने अभाज्य संख्या होते हैं। ठीक, इसके कुछ नोट पॉइंट है। इसका दूसरा नाम रूढ़ संख्या है। ठीक, अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं। यह दो से शुरू होता है, अभाज्य संख्या एक से शुरू नहीं होता है। आप सोचिएगा कि एक को छोड़कर और खुद को, यानी जैसे पांच है तो एक गुना पांच पांच हुआ, और एक पांच गुना एक। अब एक एग्जांपल लीजिएगा तो एक गुना एक, फिर उल्टा कीजिएगा तो एक गुना एक, दोनों तो एक ही आ रहा है यानी सेम आ रहा है, तो इसलिए एक नहीं होगा। ठीक, अब देखिए अगर आपको इतना कंफ्यूजन हो रहा अभाज्य संख्या में, तो इसका शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखना है, अभाज्य संख्या यह किसी से नहीं कटता है और दो से शुरू होता है। बस किसी से नहीं कटता है, जैसे पांच ग्यारह, ग्यारह कुछ से कटेगा नहीं, और यह दो से शुरू होता है। ठीक, दो से शुरू होता है और किसी से नहीं कटता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभाज्य संख्या के ठीक उल्टा भाज्य संख्या होता है। अब हम पढ़ रहे हैं परिमेय संख्या, इसके ठीक उल्टा अपरिमेय संख्या होता है। ठीक, देखिए इसे अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहा जाता है। ठीक, हमने पॉइंट वाइज बताया क्योंकि यह टेंथ क्लास में वीवीआई टॉपिक है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
इससे हर साल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। परिमेय संख्या जो अंश बटा हर के रूप में हो, यानी पी वाई क्यू के रूप में हो। पी वाई क्यू मतलब पी मतलब अंश, क्योंकि बटा के ऊपर अगर पी लिखा हुआ है तो अंश, और बटा के नीचे क्यू लिखा है तो क्यू यानी हर। तो जो अंश बटा हर के रूप में हो, जैसे 6/2 या फिर 2/6, दोनों एक ही बात है, ठीक। इसके लिए जो भाग देने पर कट जाए किसी से भी, जैसे 2024 लास्ट में 4 है, 2 से कट रहा है ना, किसी से भी कट जाए, ठीक, वो परिमेय संख्या। जो आवर्त यानी रेकरिंग के रूप में रहे, ये मैंने अभी नहीं पढ़ाया, आगे हम बताएंगे धीरे धीरे। रेकरिंग क्या होता है, जैसे 0.3 लिखा हुआ है, इसके ऊपर एक लाइन खींचा हुआ है या फिर एक बूंदा दे देंगे ऊपर, तो वो रेकरिंग हो जाएगा। तो ये परिमेय संख्या है जिसका वर्गमूल निकल जाए 16 का वर्गमूल निकलेगा यानी 4 होगा। वर्गमूल क्या होता है, वर्ग क्या होता है, ये सब हम धीरे धीरे बताएंगे। तो ये परिमेय संख्या हो। अच्छा, 8 का वर्गमूल नहीं निकलता है, ठीक, 8 का घनमूल निकलता है। तो अगर आपको पता है वर्गमूल घनमूल, तो बताइए कि 8 जो है परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, ये आप कमेंट कीजिए, ठीक। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, इसका वही पॉइंट है, भाग दे न कटे, अंश बटा हर के रूप में न हो, वर्गमूल न निकले, आवर्त के रूप में न हो, उसी का नकारात्मक, जैसे √3, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, √3 + 2 ये दोनों एक में ही है, ठीक, 4 - √5, ठीक। ये देखिए √3 तक ही है, ऐसे नहीं, अगर ऐसे रहे √3 + 2 तो इसका मतलब √5 हो जाएगा, ठीक, ये बात आपको ध्यान रखना है, अंदर का दोनों जुट जाएगा। यहाँ √3 अलग है और +2 अलग है, √3 और 2 को जोड़ना है। तो अगर आपने यहाँ तक ध्यान से देखा तो एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है, उसका उत्तर मैंने बता दिया है। क्वेश्चन है कि क्या किसी परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग हमेशा परिमेय होता है या हमेशा अपरिमेय होता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अब हम संख्या रेखा की ओर बढ़ेंगे, नंबर लाइन पढ़ेंगे जिसमें माइनस प्लस का जोड़ घटाव ये सब बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। धन्यवाद।